इस बिल्डिंग का इतिहास जो है वो लगभग 200 साल पुराना है। हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर बाबू रामनाथ सिंह जी थे जिन्होंने इस घर को बनाया, और 1897 का हमारे पास सर्टिफिकेट भी है। देन द क्वीन द एम्प्रेस ऑफ इंडिया क्वीन विक्टोरिया ने उनको सर्टिफिकेट दिया था थ्रू हर लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल फॉर हिज लिबरैलिटी एंड गुड वर्क एज एन ऑनररी मैजिस्ट्रेट देन अपॉइंटेड। तो उस समय के बाद से ये लेगेसी हमारी चली आ रही है। ये अभी आप समझिए कि वी आर सिक्स्थ जनरेशन स्टेइंग इन दिस हाउस। इसको हमारे ग्रैंडफादर श्री देवनारायण सिंह जी ने एक हवेली के हिस्से को होटल में कन्वर्ट किया जिसका नाम होटल सम्राट रखा गया, और वो गया की सबसे पुरानी होटलों में से माना जाता है। इसकी चर्चा वर्ल्ड ट्रैवल बुक्स में भी की गई है जिसकी वजह से काफ़ी फॉरेनर्स यहाँ पर आते थे और रहते थे। उस समय बोधगया में कोई भी होटल नहीं था, जो भी इक्का दुक्का होटल था वो गया शहर में था, जिसमें से हमारा ये होटल सम्राट भी उस समय था, और लोनली प्लैनेट में भी इसका नाम अंकित था, क्योंकि फॉरेनर्स जो भी आते थे लोनली प्लैनेट उनके लिए एक बाइबल की तरह है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे जब वो इंडिया आते थे, कहाँ ठहरना है, कहाँ खाना है, होटल का क्या रेट है, खाने का क्या रेट है। जो आज हम होम स्टे सुनते हैं और समझते हैं, ये चीज़ हमारे ग्रैंडफादर ने पायनियर किया था, क्योंकि वो एक प्रोफेशनली रन होटल नहीं था। कुछ सैलानियों के आने के लिए रहने की व्यवस्था थी, उनको एक घरेलू माहौल मिलता था, उनको हमारे परिवार से मिलने जुड़ने का एक मौका मिलता था, और हमारे ट्रेडिशंस को समझने का एक जरिया था। तो आज जो हम होम स्टे समझते हैं वो आज से 50 साल पुराने चीज़ है जो हमारे ग्रैंडफादर ने एक तरह से इंट्रोड्यूस किया था। जो विदेशी उस समय यहाँ रह कर जाते थे सालों तक वो लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, अपना हालचाल बताते थे, हमारा हालचाल लेते थे, तो इट वॉज अ वेरी नाइस एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस। और आज भी ये होटल स्थित है, उसको हम लोगों ने रेनोवेट किया है, उसकी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करते हुए आज की नई सुविधाओं के साथ जहाँ पर लोग आते हैं। होटल का जो स्ट्रक्चर है वो तो पुराना ही है, जो 200 साल पुराना है। हमारा सीलिंग देखिए पूरा वुड का है, और ये मोटी मोटी दीवारें हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा ऑल्टरेशन नहीं कर सकते हम लोग। बेड्स भी हमारे पुराने हैं बहुत, उस समय जो ब्रिटिश एम्बेसी से लोगों ने वो बेड और फर्नीचर लिया था उस समय वो लगा हुआ है यहाँ पर। हमारे पुराने जो फर्नीचर्स हैं जो उस समय का रेस्ट चेयर बोलते थे, जिसको आराम कुर्सी बोलते हैं, बड़ी कुर्सियाँ हैं, और जो पुराना एक फील आता है। जो भी आते हैं टूरिस्ट उनसे मिलते हैं, उनकी जो भी आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करने की कोशिश करते हैं और उनका एक स्टे कंफर्टेबल बनाते हैं। आप हमारे रिव्यूज़ देख सकते हैं गूगल के ऊपर, जहां पर लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी की है। तो हम वो जो एक ट्रेडिशन था उसको आज भी फॉलो करते हैं, और अतिथि देवो भव जो है वो हम आज भी इनकल्केट करते हैं अपने व्यवसाय में।